मैं हमेशा अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं एंटरटेनर नहीं हूँ। और मैं जब वो बात कर रहे थे ना 70s, तो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज जस्ट 17, इट वाज 79 80। तो उसी एज में जब एक दो और अल्लाह का करना हुआ कि उसमें मशहूर भी हो गए, और उस ज़माने में ये तस्वीरें तो नहीं होती थी, सेल्फियां तो नहीं होती थी, लेकिन लोग ऑटोग्राफ लेते थे, तो ऑटोग्राफ लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसी में मुझे ये एहसास हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं है, या ये मजाक नहीं है, या अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ लगाया है तो इसका कोई मकसद है, या मुझे जो टैलेंट दिया है, ये जो सलाहियत मुझे दी है, ये मुझे किसी मकसद के लिए दी, और मकसदियत है इसमें। किसी भी काम में जब आप मकसदियत डाल लेते हैं, और मकसद वही है जो डोर अवेयरनेस का काम है, या मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए भलाई ढूंढना, दूसरों की सलामती के लिए कोशा रहना, ये है कि मैं अपने आप को सिर्फ मतलब मुझे अगर 3-4 डेकेड्स हो गए हैं, तो मैं अगर अपने आप को सिर्फ ये समझता कि मैं स्टार हूँ और मैं स्टार की तरह से ज़िंदगी गुजारता, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं आई एम अनलाइक अ स्टार एंड अनलाइक एक्टर, मैं बिल्कुल आम इंसान की तरह से ज़िंदगी गुजारता हूँ। और मैं ये अपना काम जो है ये एज एंटरटेनर नहीं करता, मैं उसी तरह काम करता हूँ जिस जज्बे से अल्लामा इकबाल ने शायरी की है, कि एक एक लफ्ज़ जो परोया है तो उसमें रोशनी दिखाई है। यानी आपके इस काम से पिकासो का अगर ब्रश कैनवस पे चलता है तो वो बताता है कि उठो, जागो, अपना हक मांगो, इनकलाब लाओ। तो इनकलाब लाना और अपना हक मांगना और जीना सिखाना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये छोटे छोटे ये वली पैदा किए हैं जो आपको ये दिखाते गए हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी पेंटिंग के ज़रिए, अपनी मौसीकी के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए, अपने तसनीफ़ के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए।